हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा सबसे पहला न्यूज़ है ज्ञान गेमिंग और लोकेश गेमर के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर किया था, कई सीजन ज्ञान भाई और लोकेश गेमर के बीच में बैचेस को लेके इंडिया पे टॉप वन पे रहने के लिए कॉम्पिटिशन चल रहा है, और इसमें कभी ज्ञान भाई लोकेश गेमर को और कभी लोकेश गेमर ज्ञान भाई को बीट कर रहे हैं। तो कल ऐसे ही ज्ञान भाई लाइव स्ट्रीम पे लोकेश गेमर को कॉल किए थे और उनको बैचेस में हरा देंगे ऐसा बोले थे। तो स्ट्रीम का छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लोकेश कब तो ज्यादा बैच ले ले यार, कितनी दिन तक 5,000 1,000 1,000 करके चलाएगा भाई। लोकेश फोन नहीं उठा रहा, बिजी हो गया कैसे, बाद में फोन कर लेगा मेरे को। तो मेरे को 2-3 बजे फोन कर देना, आपको फोन उठाए ना मजा आ जाएगी। बोले डायमंड दे साले, मुझे बैजेस खरीद दिला है। देखो कैसे नहीं बोलूंगा लोकेश, फोन उठाने का वैसे बोलूंगा भाई डायमंड दे, मुझे 10 लाख डायमंड चाहिए, मुझे अभी की मुझे नहीं पता है, मुझे अभी बैजेस लेना है तेरा पैसा से, जल्दी मुझे डायमंड बेच। अरे हेलो, अरे लोकेश यार फोन काट दिया मैंने कैसे गलती से। हेलो सर, हेलो लोकेश सर, हाँ डायमंड किंग सर, सर बोल रहा हूँ सर, 10 लाख डायमंड दीजिए ना सर, बैजेस लेना है सर, लोकेश गेमर बोल के एक बंदा है उसको हराना है सर। अरे कल मैं भेज दूंगा 10 लाख डायमंड। यस सर, ये बात सर, ये लोकेश हुआ ना डायमंड किंग, ये सर कल तो आपका ब्रेक कर दूंगा कल सुबह सर। ठीक है डायमंड किंग सर लव यू सर बाय सर। गाइस लोकेश से मिलेगा मुझे डायमंड, लोकेश देगा मुझे डायमंड, गाइस देख रहे हो, समझ आ गया गाइस, दिस माय ब्रदर यार, लव यू यार, लोकेश को बहुत लव यू यार, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके बाद आज सुबह ज्ञान भाई एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पे वो 44,444 बैचेस खरीदे हैं, और ये इंडिया में एक रिकॉर्ड है। आज तक इंडिया में किसी ने भी फ्री फायर के अंदर बैचेस नहीं खरीदे हैं इतने ज्यादा। वैसे अब आपको क्या लगता है, लोकेश गेमर अब ज्ञान भाई को हरा पाएंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वैसे गाइस ज्ञान भाई के बारे में एक और न्यूज है, तो वो जो ये बैचेस खरीद रहे हैं इसके लिए उनको डायमंड्स गारेना से या फिर दूसरे स्पॉन्सरशिप से मिलता है, पर उनका ऑडियंस जो कि सिर्फ गेम खेलते हैं उनको बैचेस कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। तो यही मैसेज देते हुए वो अपने लाइव स्ट्रीम पे कुछ ये बोले थे। यार मैं गाइस ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं लिया था उस दिन भी मैं बोला था आप लोगों को, जे गाइस ये जो बैजेस है गौर से सुनना गाइस, जो लोग बहुत सारे हिटर होते हैं जो लोग जानते नहीं है, मैं बोलता हूँ लोग ध्यान नहीं देता, उस न्यूज वाले भी डालता नहीं सब चीजें, बहुत अच्छा खर्च लगता है। मैंने गाइस हमेशा बोला है वो गाइस, ओके बैजेस के ज्ञान भाई का जो बैजेस ले रहा है ये चीज सरासर ज्ञान भाई खिलाफ है, बैजेस लेना गलत चीज होती है। मैं गैस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बार चाहिए थे, जब एक बार लू मैं जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तब बहुत सारे बंदे 1,000 2,000 बैच लेता, तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ले नहीं पाता था, तो मुझे मेरा एक दिन ड्रीम था जब मैं लूंगा तो मैं ले रहा हूँ इसी जनवरी को, ओके उसके बाद कभी नहीं बैजेस की तरफ कभी नहीं, ओके। और कोई अगर गोला टॉप अप करते हो तो गैस अपने एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो, मेरे बात सुन के भी अगर आप करते हो, लोकेश करते हैं, हम लोग करते हैं, यूट्यूब करते हैं क्योंकि हम लोगों को डायमंड मिलता है, कभी गैस हम लोग प्रमोशन करते हैं किसी का, कोई ऐप का प्रमोशन करते हैं उससे मिलता है हम लोगों को, ओके गैस। गाइज बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको शायद पता ही होगा कि 2 दिन पहले फौजी गेम लॉन्च हुआ है, और शायद से बहुत जल्द टोटल गेमिंग इस गेम का लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर कल एक ट्वीट किए थे जहां पे वो लिखे थे फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, कैसा लगा गेम सबको, लाइव स्ट्रीम करूं क्या। गाइज बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले टू साइड गेमर्स के बारे में। तो रिसेंटली इनके चैनल में कुछ इश्यूज चल रहा है जिसकी वजह से यूट्यूब से किसी को भी इनके वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, और इसकी वजह से इनके हर एक वीडियोस में 4-5 लाख तक व्यूज आ रहे हैं, जबकि पहले उनके हर एक वीडियोस में मिलियंस पे व्यूज आता था। तो इसकी वजह से TSG जस्ट इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किए थे जिसमें लिखा था कभी कभी आप कितना भी मेहनत करो सफलता नहीं मिलती, बट हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर उनके चैनल पे ऋतिक भाई एक वीडियो अपलोड किए थे जहां पे वो बोले थे कि कैसे अचानक नोटिफिकेशन ग्लिच की वजह से उनके वीडियोस का व्यूज अचानक डाउन हो गया है। वैसे कुछ दिनों पहले देसी गेमर्स के सेकंड चैनल में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था, देसी गेमर्स कुछ ऐसे ही बोले अपने लाइव स्ट्रीम पे कल, वो बेसिकली यही बोले कि स्ट्राइक होती तो बात अलग थी पर ये यूट्यूब का ग्लिच है। और क्या कुछ बोले वो इस टॉपिक के ऊपर, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। भाई हेल्प TSG ब्रो, अब देखो वो यूट्यूब का ग्लिच, गाइस वो यूट्यूब का कुछ ग्लिच है, मैं क्या कर सकता हूं बोलो यार, अगर मैं नहीं करूंगा क्या भाई यार। अब गाइस देखो एज गेमिंग का कॉपीराइट स्ट्राइक है, ठीक है, उसमें बात करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कि सामने वाला को स्ट्राइक रिमूव करेगा तभी वो चीज सॉल्व होगा।
और जो तुम लोग PSG का बोल रहे हो ना, टू साइड गेमर का लाइक, वो यूट्यूब का ही प्रॉब्लम है, वो यूट्यूब का ग्लिच है या फिर वो बग है या फिर क्या है पता नहीं। वो दो चार दिन पहले मेरे सेकंड चैनल के साथ भी हुआ था, ठीक है। तुम लोग देखो लाइव स्ट्रीम में लगभग हर स्ट्रीम में 500-600 के व्यूज आते मेरे, बट उस स्ट्रीम में 100K 200K आया था, 100K से 200K के बीच में था। तो होता है कभी कभी ना, सब्सक्रिप्शन टैब में तक नहीं दिखता है। गाइस बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले गेमिंग ओरा के बारे में। तो रिसेंटली गेमिंग ओरा हर रोज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि वो ज्यादातर करते नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एज ए क्रिएटर आई कैन ऑल्सो फील इट। बट क्या हो रहा कि ओरा को नॉर्मली व्यूज के ऊपर जितने लाइक्स आते हैं उससे बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं, और इसकी वजह से डिसअपॉइंट होते हुए वो एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे। इसमें बेसिकली वो यही लिखे थे कि मेहनत के मुताबिक उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप जाके एक बार उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो। तो गाइस बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले स्काईलॉर्ड के बारे में। तो पहले वो XTG ई-स्पोर्ट का हिस्सा थे, पर अभी के टाइम पे वो XTG छोड़ चुके हैं और ग्लोबल ई-स्पोर्ट का हिस्सा हैं। पर अभी भी बहुत सारे लोग उनके नाम के आगे XTG लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इसी टॉपिक के ऊपर वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ ये लिखे थे। हे गाइस, ए क्विक अपडेट, आई लेफ्ट XTG ई-स्पोर्ट्स, आई डोंट हैव एनी कनेक्शन और कॉन्टैक्ट विद XTG ई-स्पोर्ट्स, आई एम स्काईलॉर्ड नॉट XTG स्काईलॉर्ड, डोंट यूज माई नेम विदाउट एनी रीजन, इट विल क्रिएट कैओस, थैंक्स। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।